हाय गाइस, द गन्नू किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं KFC फ्राइड चिकन पॉपकॉर्न, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम बोनलेस चिकन, क्यूब के साइज के काट लिया हमने ऐसे ही। आधा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, 1.5 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 चम्मच मैगी मसाला, 2 चम्मच दूध। अब हम इसको मैरिनेट के लिए रेडी करेंगे। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे हम नमक, अब लेंगे हम मिर्ची, जिंजर गार्लिक पेस्ट, विनेगर, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली सॉस, मैगी मसाला और यहाँ पे लिया हमने दूध। अब इसमें डालेंगे हम 2 एग जो हमने अच्छे से फेंट लिए। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। अभी हमारे मिल गए। अब हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक और बाउल। अब यहाँ पे हमने लिए 1 कटोरी मैदा, आधा कटोरी कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच नमक। सबको मिक्स कर लेंगे, मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक और ये मिर्ची। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया। हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब हम एक एक करके इसमें ये पीसीस इसमें डालेंगे। पानी नहीं डालना, बस पीस पीस डालना। इस तरीके से अब हम इस पर अच्छे से लपेट लेंगे इनको, और इसमें अच्छे से लगा लेंगे और एक एक करके हम प्लेट में रख देंगे। इस तरीके से लगाने, ऐसे करके। अब हमने ये अच्छे से कोटिंग सबकी कर ली है। अब ये हमारा जो मैरिनेशन का जो पेस्ट जो नीचे था ना, अब इसमें हम इसको एक बार दोबारा से डिप करेंगे और फिर से एक बार इनको दोबारा से लगाएंगे। ऐसे कोटिंग अच्छे से करेंगे ताकि ये क्रिस्पी बने। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसे एक एक करके इसमें ऐसे छोड़ेंगे। ये देखो हमारे अब धीरे धीरे ये सिक रहे हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सेकेंगे। गैस को मीडियम रखना है, हाई पे नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम निकालेंगे। अब हम इसको गार्निश करेंगे। अब हमारे चिकन पॉपकॉर्न बनके तैयार है। ये हमारी पिछली रेसिपी की चटनी है। आप इससे भी खा सकते हैं, टमाटो सॉस से भी खा सकते हैं, केचप से भी खा सकते हैं। देखो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितने क्रिस्पी हैं। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर और प्लीज घर पे ही रहो, सेफ रहो।